स्टूडेंट्स, आज हम वोकैबलरी में वर्ब्स लर्न करेंगे, राइट करेंगे। तो 116 टू 120 तो मैंने वर्ब ले रखी हैं। तो पहली है WAIT, वेट। वेट मीन्स इंतज़ार करना। WAIT, वेट। वेट मीन्स इंतज़ार करना। जैसे हम बस स्टैंड पे बैठे हैं तो हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस जगह क्या यूज़ करेंगे? वेट। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो हम किसका वेट कर रहे हैं? ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ओके, तो इस जगह हम किसका यूज़ करेंगे? वेट का। WAIT, वेट। वेट मीन्स इंतज़ार करना। WAIT, वेट। वेट मीन्स इंतज़ार करना। WAIT, वेट। वेट मीन्स इंतज़ार करना। ओके, WALK, वॉक। वॉक मीन्स चलना। वॉक मीन्स चलना। हम चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वॉक। WALK, वॉक। वॉक मीन्स चलना। WALK, वॉक। वॉक मीन्स चलना। WALK, वॉक। वॉक मीन्स चलना। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। WASH, वॉश। वॉश मीन्स धोना। वॉश मीन्स धोना। जैसे हम कपड़े धोते हैं, क्या धोते हैं? हम कपड़े धोते हैं तो वॉश करते हैं कपड़े, तो वॉश मीन्स क्या होता है? धोना। वॉश मीन्स धोना। WASH, वॉश। वॉश मीन्स धोना। WASH, वॉश। वॉश मीन्स धोना। WASH, वॉश। वॉश मीन्स धोना। नेक्स्ट है WATCH, वॉच। वॉच मीन्स देखना। WATCH, वॉच। वॉच मीन्स देखना। मतलब जैसे हम टीवी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वॉच। WATCH, वॉच। वॉच मीन्स देखना। WATCH, वॉच। वॉच मीन्स देखना। चलिए हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना। वेयर मीन्स पहनना। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हम क्या पहन रहे हैं? कपड़े पहन रहे हैं, तो वेयर मीन्स पहनना। WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना। जैसे गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन क्लॉथ वेयर करते हैं। और जैसे सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में हम वूलन क्लॉथ वेयर करते हैं। ओके बच्चों, तो WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना। WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना। ओके, वन मोर टाइम रिपीट करवा दें आपको। तो है WAIT, वेट। वेट मीन्स इंतज़ार करना। ओके, नेक्स्ट है WALK, वॉक। वॉक मीन्स चलना। नेक्स्ट है WASH, वॉश। वॉश मीन्स धोना। नेक्स्ट है WATCH, वॉच। वॉच मीन्स देखना। नेक्स्ट है WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना। ओके बच्चों, तो आपको ये नोटबुक पे नोट करना है, सभी बच्चे वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स लर्न करें। ओके, चलिए अब हम ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं, सेंटेंसेस पर। ओके, ट्रांसलेशन पे आ गए। मेक हिंदी। मैंने आपको इंग्लिश दी है, आपको इसकी हिंदी बनानी है। पहला है रेस्पेक्ट द एल्डर्स। रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे? द एल्डर्स की मीनिंग लगाएंगे, तो क्या होगी? बड़ों का। बड़ों का। फिर लास्ट में वर्ब आएगी, तो वर्ब कौन सी है? रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट मीन्स होता है आदर करना। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी? रेस्पेक्ट की आदर करो, करना नहीं होगी, क्या हो जाएगी? आदर करो। बड़ों का आदर करो। रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का आदर करो। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिफेंड योर कंट्री। डिफेंड योर कंट्री, तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे? योर कंट्री की। तो योर कंट्री की मीनिंग क्या लगेगी? अपने देश की। योर की अपने, और कंट्री की देश की, और फिर लास्ट में आएगी डिफेंड की। तो डिफेंड की क्या होती है? रक्षा करना। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना रहे, रक्षा करो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रक्षा करो। अपने देश की रक्षा करो। डिफेंड योर कंट्री, अपने देश की रक्षा करो। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। रिवाइज योर चैप्टर। रिवाइज योर चैप्टर, तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे? योर चैप्टर की मीनिंग लगाएंगे। ओके, तो योर की मीनिंग अपना, और चैप्टर की मीनिंग होती है पार्ट। ओके, यहाँ पर लेसन होता, लेसन की भी आप पार्ट लिखते। और फिर आएगी लास्ट में वर्ब। वर्ब है रिवाइज। रिवाइज की मीनिंग दोहराना होती है।
तो क्या हो जाएगी, दोहराओ। क्या बन जाएगी, दोहराओ। अपना पार्ट दोहराओ, रिवाइज योर चैप्टर, अपना पार्ट दोहराओ। ओके चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। स्टडी इन द रूम, स्टडी इन द रूम, तो पहले किसकी आएगी, इन द रूम की लगाएंगे, तो रूम की पहले लगाएंगे कमरे, फिर इनकी, तो मैं, कमरे मैं, इन द रूम कमरे मैं। ओके फिर लास्ट में आएगी स्टडी की, स्टडी की क्या होती है, अध्ययन करना, तो अध्ययन करो, कमरे में अध्ययन करो, स्टडी इन द रूम कमरे में अध्ययन करो। ओके चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है गार्ड योर हाउस, गार्ड योर हाउस, तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे, योर हाउस की होती है अपने घर की। ओके अपने घर की, प्लस में गार्ड की आएगी क्या होती है, रखवाली करना, तो रखवाली करो हो जाएगा, अपने घर की रखवाली करो, गार्ड योर हाउस, अपने घर की रखवाली करो। ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सेव द ट्रीज, सेव द ट्रीज, तो पहले हम किसकी लगाएंगे, द ट्रीज की क्या होगी, पेड़ों को, फिर सेव की लास्ट में लगाएंगे, तो बचाओ, बचाना होती है वैसी, तो बचाओ हो जाएगी, अब पेड़ों को बचाओ, सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। ओके चलिए एक बार आपको फिर से रिपीट करवा दें। पैक द एल्डर्स, बड़ों का आदर करो। ठीक है नेक्स्ट पर आ जाते हैं। डिफेंड योर कंट्री, अपने देश की रक्षा करो। ओके नेक्स्ट पर आ जाते हैं। योर चैप्टर, अपना पार्ट दोहराओ। ओके स्टडी इन द रूम, कमरे में अध्ययन करो। ओके नेक्स्ट है गार्ड योर हाउस, अपने घर की रखवाली करो। ओके सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सभी बच्चे नीट एंड क्लीन राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना वर्क करेंगे। ओके बाय बाय।